अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी का टूर करवाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, इसको नॉर्थ गेट भी कहते हैं। तो वैसे टोटल जो है ना यूनिवर्सिटी के 5 गेट हैं, ठीक है। और ये जो है जगह है, ये साउथ गेट के सामने है। ये कॉन्वोकेशन सेंटर है, हर साल जो यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये डॉम्स हैं, ये अभी हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट में। ये यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, तो चलिए हमारे साथ। ये देखें, ये यहाँ पे 2 इकट्ठी डॉम्स हैं, 7 और 8 ना, इन दोनों में फॉरनर्स रहते हैं। और ये जो सामने हॉल आपको नज़र आ रहा है, आजकल यहाँ पर वैक्सीन लग रही है। और ये मैनेजमेंट स्कूल है। और ये जो सामने ब्लैक कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल है। यहाँ पर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट के फेयर डील किए जाते हैं, यानी जो भी बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उनको यहाँ पर आना होता है। तो अब हम चलते हैं, ये सामने जो है ना ये चाइनीज़ डॉम्स हैं। और आगे जो है ना ये जो स्ट्रीट है इसको हम जो है ना ख्वाहिती स्ट्रीट कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के कुरियर सर्विसेज के ऑफिस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ सेंड करनी हो और मंगवानी हो तो यहाँ पे आप जाते हैं। और ये जो है कैंटीन है, ठीक है। यहाँ पर मुस्लिम कैंटीन है, और वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी कैंटीन्स हैं, ठीक है। और एक सेकेंड फ्लोर पर यहाँ पर मुस्लिम कैंटीन भी मौजूद है। तो हम सारे स्टूडेंट यहाँ आकर जो है ना आमतौर पर खाना खाते हैं। तो आपको ये अंदर से दिखाते हैं ज़रा। ये बाहर का एरिया है जहाँ पर लोग बाहर भी बैठ सकते हैं, और ये सामने अंदर का एरिया है। काफ़ी बड़ी कैंटीन है, मुस्लिम कैंटीन जो है। और ये दूसरी कैंटीन है, ये इसको कहते हैं कैम्ब्रिज। यहाँ पर भी काफ़ी सारे पोर्शन हैं डिफरेंट किस्म के। और ये सामने जो है ये जॉगिंग ट्रैक है, जहाँ पर वॉक करते हैं सारे चाइनीज़। हम भी करते हैं वैसे तो, लेकिन ये बहुत ही प्यारा पार्क है। आप यहाँ पर वॉक करें तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है आपको। अब आप चलते हैं हमारे लैब की तरफ। ये डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ पावर एनर्जी, एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग, सॉरी। तो अभी लैब की तरफ लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि अंदर कैसा माहौल होता है। ये देखें, यहाँ पर जो है ना खामोशी है इस टाइम, तो बहुत ही साइलेंट मोड पे है ये काम। और ये मेरी लैब है, ये बाकी सारे फेलोज़ वगैरह केबन्स में बैठते हैं। अपना केबन भी मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। तो ये लैब का अंदर का व्यू है, और अभी आपको मेरी लैब के बाहर का व्यू भी दिखाते हैं, वो भी बहुत प्यारा है। देखें ज़रा, ये देखें, मज़ा आया कि नहीं आया। और ये मेरा केबिन है जहाँ पर मैं बैठकर रिसर्च करता हूँ। दुआ करें कि मेरी जल्दी जल्दी रिसर्च कंप्लीट हो जाए। तो अब हम आपको नेक्स्ट में लेके जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ। ये लाइब्रेरी है, मेन लाइब्रेरी है। इसके सामने ये काफ़ी बड़ा जो है ना आप कह लें चटियल मैदान कह लें इसको, लेकिन ये काफ़ी मतलब यहाँ पर बच्चे शाम को जो है ना खेलते हैं आकर, ख़ास तौर पे वो टायरों वाले बूट चलाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सीन होता है यहाँ पर शाम के टाइम। और ये सामने जो है ना मेन बिल्डिंग है, और ये सबसे टॉल बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की। तो इसके सामने जो सीढ़ियाँ हैं ना, यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है जब से यूनिवर्सिटी बनी है। और ये है जी एरोस्पेस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का।
इसके सामने जो है ना उन्होंने मिसाइल्स वगैरह के मॉडल्स लगाए हुए हैं, और वो पुराने जहाज़ जो है ना यहाँ पर उन्होंने लगाए हुए हैं जिन पे वो रिसर्च वगैरह करते हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह है ये। इसके सामने ही पार्क है जो कि आपको नेक्स्ट में दिखाते हैं हम। और ये जो है ना यूनिवर्सिटी की झील समझ लें, यहाँ पर पार्क एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है और ग्रीनिश एरिया है यहाँ पर ना। तो जब आप थक जाएँ तो यहाँ आप आ जाएँ, तो गर्मियों में बहुत ही ठंडक फील होती है यहाँ पर ना, सुकून फील होता है। ये यूनिवर्सिटी की ये जो है ना मटेरियल साइंसेस डिपार्टमेंट की फ्रंट साइड है, इसका व्यू है। और क्योंकि हमने आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स दिखाए हैं तो हमने कहा कि सबकी सैर करानी चाहिए आपको। तो आइए हम अब आपको नेक्स्ट ले चलते हैं यूनिवर्सिटी की मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना बैंक है, यहाँ से इस शॉप से जो है ना स्टूडेंट कार्ड बनते हैं। ये जी बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वैसे तो काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं, और ये फुटबॉल का ग्राउंड है। यहाँ पर इसकी साइड पे हम आमतौर पे पहले हम क्रिकेट भी खेलते थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलके ना, तो बहुत ही मज़ा आता था ये। लेकिन यहाँ शाम को चाइनीज़ खेलते हैं। और ये है यूनिवर्सिटी का म्यूज़ियम, जहाँ पे यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री लिखी हुई है और पिक्चर्स लगी हुई हैं 1898 से लेकर अब तक की। और ये जी मेन बिल्डिंग की बैक साइड है। एक साइड तो वो थी जो हमने अपने लाइब्रेरी के सामने दिखाई, ये यूनिवर्सिटी की सबसे टॉल बिल्डिंग है। तो मतलब बाकी सारी बिल्डिंग जो है ना वो 4 से 5 मंजिला हैं, जबकि बाकी सिर्फ यही जो बिल्डिंग है सेंटर के अंदर, इसको मेन बिल्डिंग कहते हैं। तो इसके इर्द गिर्द छोटी छोटी 4 बिल्डिंग है ABCD। तो बाकी ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमने आपको सैर करा दी है, काफ़ी प्यारी यूनिवर्सिटी है हमारी ना। और लेकिन ये है कि ओल्ड यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से जो है ना अब इसके अंदर स्पेस जो है वो कम रह गई है, हर जगह तकरीबन डिपार्टमेंट।